इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैं रोज काम पे जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला के किया करो, तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तो वो कहने लगा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज किसी न किसी को कुछ खिलाऊं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, क्या तुम्हारे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं होता? तो वो कहने लगा, हाँ या अली, मैं दिन में 2 या 3 मरतबा खाना खाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? तो वो कहने लगा, या अली, एक अनाज के दाने की क्या औकात? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरूरी नहीं कि अपनी वुस्सत से ज्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो। अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपनी दिन की गिजा में से निकाल के अल्लाह की किसी मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चूंटी को खिलाओ, तो उस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिक्स में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिक्स खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें मालामाल कर देगा, तुम्हें मालामाल कर देगा।